हे गाइस वेलकम बैक। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरा गेम प्ले है मैं उसको लैग फ्री कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो वो इतना लैग नहीं होता है। सो गाइस जो सबसे पहले बात आती है वो आती है रिकॉर्डर की, मैं कौन सा रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। तो भाई जो मेरा रिकॉर्डर है वो है रेडमी नोट 4 का इनबिल्ट रिकॉर्डर। मैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब कोई भी दूसरा ऐप यूज़ नहीं करता हूँ। तो जो इनबिल्ट रिकॉर्डर है मैं सिर्फ उसे ही यूज़ करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आप लैग फ्री गेम रिकॉर्ड कर सकते हो। सो गाइस अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने गेम प्ले को, मतलब आपका जो गेम है आपको उसको लैग फ्री बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको GFX टूल डाउनलोड करके उसको पोटैटो ग्राफिक्स बनाना होगा। अब पोटैटो ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। सो गाइस पोटैटो ग्राफिक्स बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रिकॉर्डर है आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सो गाइस यहाँ आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, सीधे रिकॉर्डर ऑन करना है और उसकी सेटिंग्स पे जाना है। तो सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रेजोल्यूशन का, तो रेजोल्यूशन आपको 1280 और 720 ही रखना है। फिर उसके बाद जो बात आती है वो आती है वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी आपको 4 Mbps ही रखनी है। अगर आप उससे ज़्यादा रखोगे तो आपका गेम ज़्यादा लैग होगा। और फिर उसके बाद जो बात आती है वो आती है फ्रेम रेट की, तो फ्रेम रेट आपको 30 FPS ही रखना है। सो भाई मैं अपने गेम प्ले का इन गेम साउंड कैसे रिकॉर्ड करता हूँ वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये साउंड सोर्स है आपको उसमें सिस्टम साउंड्स में रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो आपका इन गेम साउंड होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन जो आप कुछ भी बोल रहे हो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन गेम साउंड ही रिकॉर्ड होगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप प्लेइंग एंड दैट्स ऑल।